बीमार होगा। रोज सब नहीं होती। तुम्हा सर्वांना गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आप सब लोग यहां आए उसके लिए धन्यवाद। महादेव करे आपका ये साल सफलता और संपन्नता से भरपूर हो। दाती दाम दाती दाम दाती दाम सारे निसा पामा पामा पगा अगरे निसा सारे निसा पामा पामा पगा अगरे निरसा पानी सानी सा पानी सानी सा सानी दबा मगा निगनी मगनी गनी दबा मगा पदा पदा दबा 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 मगा रेरी लगा मामा मामा ना दरी निसा सारे जिसे कि बहुत बड़े नायक हो
तुमसे तो बड़ा ही हूँ। खजूर का पेड़ भी तुलसी से बड़ा ही होता है, पर फिर भी तुलसी अच्छी होती है, समझ लो। बाजी, ये क्या कर रही है? मैं अपने मन में तुम्हारे लिए बुरे शब्द बोल रही हूँ। तो मन में क्यों बोल रही है? मुझसे बोलना। कुंवती कन्या कभी ऐसे शब्द नहीं बोलती। लो, याद रखना, जो दूसरों के लिए जैसा सोचता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। इस बंदरिया ने रुक्मिणी को भगा दिया। अब पता नहीं इतनी सारी महिलाओं के बीच वो कहाँ छुप गई होगी। अब और लड़ना है या संगीत आरंभ करें? औरतों के कार्यक्रम में मर्दों का रहना शोभा नहीं देता। जाओ बाहर जाओ। बाजी, पहले जाओ उसे पकड़ ले, जाओ। हमारे साथ यदि उस मुठभेड़ में कमरुद्दीन भी मारा जाता तो ये जीत और भी अधिक मीठी होती। औरंगजेब का जवाब अभी भी मिला है, तब मुंह तोड़ जवाब मिलता। मुंह तोड़ जवाब उसे अब भी मिलेगा। गुड़ी पाड़वा के बाद उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि मुगल सल्तनत का नामो निशान मिट जाएगा। भावराव मल्लार, उत्सव के समय क्रोध करने का क्या अर्थ है? उत्सव मराठियों के हाथों मराठियों के मारे जाने का उत्सव केवल आप ही मना सकते हैं पंत प्रतिनिधि। ये भावराव मल्हार नहीं। भावराव जवान छोड़कर बात कीजिए। थांबा। मित्रानो, भावराव को अपने मन की बात कहने दो, कहिए। मेरे पिता, आपके पिता, आपके पिता,
आपके पिता और आपके भी पिता सबने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर मराठी साम्राज्य के लिए अपना रक्त बहाया और अब इस साम्राज्य इस अजंक्य तारा की स्थिति को देखकर उनकी आत्मा आंसू बहा रही। और एक बात याद रखिए, लकड़ी चाहे चंदन की क्यों ना, उसमें घुन लग ही जाता है। शांति, कौन सा घुन लग गया इस मराठी साम्राज्य को? आप भावराव, मेरी मातृभूमि जिसे मैं अपनी माँ से भी अधिक प्रेम करता हूँ, उसी मातृभूमि की डोर तारा रानी साहेब ने पुत्र प्रेम में अंधी होकर आप जैसे कमजोर राजा के हाथ सौंप दिया। मेरे भाई शंकर राव मल्हार की हत्या का जख्म देकर भी उनका मन नहीं भरा, तो उन जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि आपने उन्हें मारा। तो तुम उस गद्दार के भाई हो? गद्दार नहीं था वो, शाहू जी का मात्र समर्थक था। आपने युद्ध की इतनी गाथाएं नहीं सुनी होंगी, उससे कई अधिक मराठियों के लिए युद्ध लड़े हैं उसने। जब वो मैदान में उतरता था अकेला ही सैकड़ों पे भारी पड़ता था वो, और तारा रानी साहब का कहना है कि आपने अकेले ही शंकर राव मल्हार और अन्य मराठी सरदारों के प्राण ले लिए। मात्र प्राण नहीं, सम्मान भी लिया है। तुम्हारा भाई अपने घुटनों के बल बैठकर हमसे अपने जीवन की भीख मांग रहा था भाऊराव। भाग्यशाली है तू कि तुम मराठियों की भूमि में पकड़ी गई। यहाँ नारी का सम्मान होता है। तुम भले ही नारी होने की गरिमा भूल गई हो, हम मराठी अपनी गरिमा नहीं भूले। और ये भी नहीं भूले कि तुम हमारी शत्रु हो। बताओ तुम किस इरादे से आई हो यहाँ पे? कितने हो तुम लोग और क्या क्या करने वाले हो? मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मुगल हूं, कातिल हूं, पर कतार नहीं। तुम जैसों की जबान खोलना हमें आता है। मुझे पता था आप जिद पर आ जाएंगी और ना चाहते हुए भी मुझे अपनी जुबान खोलनी ही पड़ेगी, इसीलिए किस्सा ही खत्म कर देती हूं। औरंगजेब जिंदाबाद। अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही, खत्म कर दो इसे। रानी साहब, औरंगजेब के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की यही एक चाबी है। इसे तोड़ दिया तो कठिनाई में पड़ जाएंगे सब। रानी साहब, बाहुराव मल्हार ने राजे के ऊपर तलवार उठाई। काय? हो। बूढ़ी पाड़वा की पूजा के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपने अपने राजा पर तलवार उठाने का दुस्साहस कैसे किया? तलवार उठाई पर चलाई नहीं, लेकिन केवल तलवार उठाने भर से सच पे पड़े झूठ का पर्दा कट गया। कौन सा सच? राजे की वीरता का सच। इनकी रगों में आपका रक्त तो है, किंतु शत्रुओं को देखकर इनका रक्त ठंडा पड़ जाता है। इनकी वीरता आपका फैलाया हुआ भ्रम है। और आप कहती हैं कि जिन मराठी सरदारों को आपने मारा वो मराठियों के विरुद्ध उस औरंगजेब से जा मिले थे। झूठ। किंतु सत्य तो यह है
कि मेरा भाई और शाहू जी के शेष समर्थक इस राज्य के असली उत्तराधिकारी को वापस लाने का मार्ग खोज रहे थे, पर आपसे ये सहा नहीं गया। आप जानती हैं कि शाहू जी के लौट आने पे आपके राजे का क्या होगा, भला सोने के आगे पीतल को कौन पूछता। इसलिए आपने स्वयं मेरे भाई को मार दिया और उसका शहर अपने पुत्र के सर बांध दिया। हत्या निर्दोषों की जाती है, पापियों का वध किया जाता है। आपका भाई देशद्रोही था, महाराज ने उसे देशद्रोह का दंड दिया है। यदि यही बात है तो मैं महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यही दंड मुझे भी दे, किंतु अपने हाथों से। मुझे केवल सत्य ही नहीं प्रमाण भी चाहिए। मैं राजे को चुनौती देता हूँ, यदि इन्होंने स्वयं मेरे भाई और अन्य मराठी सरदारों को मारा है तो कल मुझसे युद्ध कर मुझे भी उसी प्रकार मारे जिस प्रकार इन्होंने मेरे भाई को मारा। मैं भावराव इस बात को सिद्ध करने का बीड़ा उठाता हूं कि राजे सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। क्या आप राजे और मेरा ध्वंद करवाकर मुझे गलत साबित करने का बीड़ा उठाती है? तलवार उठाइए और देशद्रोही को मृत्यु दंड दीजिए। जय भवानी। उठाइए बीड़ा रानी साहेब, उठाइए। रानी साहब, रानी साहब आप चिंता मत कीजिए, इस भावराव को हम स्वयं खामोश कर देंगे। बस हम इस सत्य को और नकार नहीं सकते पंत प्रतिनिधि जी, कि राजे युद्ध नहीं कर सकते। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि राजे अगर एक योग्य योद्धा साबित नहीं हुए तब भी एक योग्य शासक अवश्य बनेंगे, और हम उनकी युद्ध कला की अयोग्यता को उनके सिंहासन पर बैठने की बाधा नहीं बनने देंगे। इस चुनौती का सामना राजे ही करेंगे, और वो भी अकेले। हमको तो आश्चर्य है कि मुगलों ने इतने बड़े षड्यंत्र की जिम्मेदारी एक औरत को दे कैसे थी, क्योंकि वो तो हमारी तरह नारी को शक्ति का रूप मानते ही नहीं है। उसने अपनी जबान क्यों काटी? ऐसा कोई तभी करेगा जब उसके पास कोई ऐसा राज हो जिसे वो किसी भी मूल्य पर बताना नहीं चाहता। पर वो राज है क्या? बंदी होने के पश्चात भी उसे षड्यंत्र की सफलता का विश्वास क्यों है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो रुक्मणी दे सकती है, पर बालाजी शत्रु के प्रहार पर हमारा बस नहीं है, पर अपनी सुरक्षा पर है। कल के आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। होता जी। रुको, दिखा इधर। ये युद्ध में घायल हुए विकलांग सैनिक हैं। कल इनका सम्मान होने वाला है, इन सबको ससम्मान अतिथि गृह में लेके जाओ।
क्या क्या होने वाला है? कल प्रातः रानी साहब और बाकी महिलाएं गुड़ी की पूजा करेंगी। उसके पश्चात गुड़ी पूजन उत्सव आरंभ होगा और फिर महाराज शिवाराजे भाऊराव मल्हार की चुनौती का सामना करेंगे। उनके द्वंद के बाद महाराज और रानी साहब विकलांग सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करेंगे। साथियों तैयार हो जाओ, कल हम एक नई तारीख लिखने वाले हैं। कल सुबह सूरज उगेगा मराठी जमीन पर और हम मुगल सतारा के आसमान को अपने शोलों से ऐसा रंग देंगे कि शाम ढलने तक ये जमीन मुगल की सरजमीन का हिस्सा होगी। चलो साथियों, चलो जल्दी जल्दी। हम सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। नहीं बालाजी, आप नहीं, आप विश्राम कीजिए। विशेष रूप से बाजी, तुम वीर माता पिता की वीर संतान हो बाजी। इन सैनिकों की तरह संसार एक दिन तुम्हारी वीरता को भी नमन करेगा। चला आपको लड़ता हुआ देखकर हमने भी युद्ध करना सीख लिया है साहब। आप चिंता मत कीजिए, हम भाऊराव के साथ वही करेंगे जो आपने शंकरराव मल्हार के साथ किया था। आप सिर्फ जबान चलाना जानते हैं, तलवार चलाना नहीं। पर हमने बालाजी से तलवार चलाने की शिक्षा ग्रहण की है आई साहब। गुरु शिष्य को तलवार चलाना सिखा सकता है, तलवार चलाने का साहस नहीं दे सकता, वो अपने मन में स्वयं जगाना पड़ता है। बोलिए, वो साहस है आप में? हमारी आयु ही क्या है ऐसा है? आप आयु में बालाजी के बेटे से तो बड़े हैं ना। बाजी की वीरता देखी है आपने? एक शस्त्रधारी हत्यारिन के साथ निहत्ता लड़ने के लिए तैयार था वो। बालाजी ने उसे वही संस्कार दिए हैं जो संस्कार आपको देने का प्रयास किया उन्होंने, पर आपने वो संस्कार ग्रहण ही नहीं किए। अगर पात्र में ही छेद हो तो सागर में कितनी भी गहरी डुबकी क्यों ना लगाए, बाहर खाली हाथ ही आना होता है।